हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्या डोजेज हैं, कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, एवं वीडियो के लास्ट में हम यह भी बातें करेंगे कि जब एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का हम प्रयोग कर रहे हो तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक माइक्रोलाइड टाइप एंटीबायोटिक है जो कि आपको मार्केट में टैबलेट और सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में मिल जाती है। इसका प्रयोग आपको कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक करके कार्य करता है। एजिथ्रोमाइसिन दवा का मूल एवं जेनरिक नाम है, तो यह अपने मूल एवं जेनरिक नाम एजिथ्रोमाइसिन से भी आपको किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। बट फिर भी अगर हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसके अंदर आपको एजी टैबलेट, एजिथ्रल टैबलेट, एजी सिप टैबलेट और जिथ्रोमैक्स टैबलेट है। बट हो सकता है आपके एरिया में इन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड नेम से मिलता हो, बट जो दवा का मूल नाम होगा वो एजिथ्रोमाइसिन ही रहेगा। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन के यूजेज की तरफ, कि वह कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, तो इसका प्रयोग आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कान के मध्य भाग में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस वजह से उसके कान में सूजन आ गई हो, कान में दर्द रहता हो या फिर कान से तरल पदार्थ बहता हो, तो उसे ठीक करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। गले के इन्फेक्शन जैसे कि टॉन्सिल हो गया, तो उसके अंदर भी आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ फीमेल्स के अंदर जो डिस्चार्ज होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होती है, उनको भी ठीक करने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है। एवं पेशाब में जब जलन हो रही हो तो उसे भी ठीक करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके यूजेज की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि एक न्यूमोनिया होता है जिसमें व्यक्ति को खांसी हो रहा हो, फीवर हो गया हो या फिर सांस लेने में सीने में दर्द हो रहा हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, मलेरिया का जो इलाज है जिसके अंदर हम क्लोरोक्विनोलोन के और पारासीटामोल के साथ भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग कई बार डॉक्टर करते हैं। अब यूजेज जानने के बाद बढ़ लेते हैं दोस्तों इनके डोजेज की तरफ, कि इनके क्या डोज हो सकते हैं। वैसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग हर बीमारियों के अंदर अलग अलग किया जाता है और यह पेशेंट के एज एवं वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके क्या डोज हो सकते हैं। बट फिर भी एडल्ट्स के अंदर हम अगर इनके कुछ कॉमन डोज की बात करें तो उसमें आप 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट खाना खाने के बाद दिन में एक बार सामान्यतः दे सकते हैं। इसका प्रयोग आपको नॉर्मली 3 से 5 दिनों तक किया जाता है। अगर इन्फेक्शन कम हो, नॉर्मल हो, तो इसका प्रयोग 3 दिनों तक लिया जाता है। एवं गहरा इन्फेक्शन होने पर इसका प्रयोग आपको 5 दिनों तक लिया जाता है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों इनके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। वैसे तो इसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट फिर भी अगर हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसके अंदर आपको नौजिया रह सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है या फिर क्रैम्प्स हो सकते हैं, साथ ही साथ गैस्ट्रिक ग्रेशन हो सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट हो सकता है अगर इनके अलावा कुछ आपको और अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो फर्दर आप इस दवा का प्रयोग बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो कि आपको दूसरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन आपको प्रेगनेंसी के अंदर भी बिल्कुल सेफ दवा है, तो इजीली आप इसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। एवं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल इजीली कर सकती हैं, क्योंकि इनके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल सेफ दवा है आपका प्रेगनेंसी के अंदर भी। अब वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों कि यह सेफ मेडिसिन होने के बाद भी कौन कौन से वह व्यक्ति हैं जिसे हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट नहीं दे सकते। तो जो व्यक्ति एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट से एलर्जिक रखता हो या फिर इसके ग्रुप के किसी भी दवा से एलर्जिक रखता हो, तो उसे हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट नहीं दे सकते।
साथ ही साथ यदि किसी पेशेंट्स को किडनी या फिर लीवर से संबंधित कोई समस्या हो तो उसे भी हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। Oh,